खैर मैं पार्थ, और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर हम लोग माता वैष्णो देवी यानी कटरा से वैष्णो देवी तक की यात्रा हेलीकॉप्टर से कैसे करें। तो सबसे पहले अगर हमें हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो आप कहीं भी कटरा में रूम लिए हों, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जा करके निहारिका कॉम्प्लेक्स चले जाइए। निहारिका कॉम्प्लेक्स में आप पता करिए कि कहाँ पर हेलीकॉप्टर के टिकट मिलते हैं, क्योंकि जनरली आपको ऑनलाइन जब आप देखते हैं और आपको जाना होता है तो ये आपको टिकट अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? कारण ये है कि ऑनलाइन पहले से ही सारे टिकट लगभग बुक हो जाते हैं जो हमें मिल नहीं पाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ऑफलाइन टिकट कैसे मिल जाएगा, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ऑफलाइन टिकट कैसे मिल जाएगा। तो ऑफलाइन टिकट कैसे मिल पाएगा? तो जब ऑनलाइन बुक किए हुए टिकट कैंसिल होते हैं तब आपको ऑफलाइन टिकट वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स जाना है और वहाँ जो लाइन लगी है हेलीकॉप्टर वाली वहाँ पे लग जाना है लाइन में, और तब तक लगे रहना है जब तक आपको टिकट मिल नहीं जाता। और अगर आप रात में पहुँचे हैं, शाम में पहुँचे हैं, तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ही उठकर जाके निहारिका कॉम्प्लेक्स में जहाँ हेलीकॉप्टर की टिकट मिलता है वहाँ लाइन में लग जाइए। अगर आपका बच्चा है या घर का कोई और सदस्य है तो उसका 2100 रुपया एक तरफ का फेयर लगता है, और अगर छोटा बेटा है, बच्चा है, 3 साल से अगर बड़ा है, यानी 2 साल से अगर बड़ा है, 2 साल 1 महीने का है, 2 महीने का है, तो उसका टिकट लगेगा। अगर आप चाहते हैं बच्चा छोटा है और उसका टिकट नहीं देना तो उसकी एज जो है वो 2 साल से कम लिखिए, तब आपको उसका टिकट नहीं देना पड़ेगा, इसको गोद में लिए रहिए। चलिए तो अब बात आती है कि कैसे यात्रा करें। तो वहाँ से आपको ये टिकट मिल जाएगा, ये आप देख रहे हैं जनरली ये टिकट है, ठीक है, ये टिकट आपको वहाँ से मिल जाएगा। टिकट काउंटर से टिकट प्राप्त करिए, एक तरफ का 2100 रुपये आप देंगे, टिकट मिल जाएगा। अगर आपकी किस्मत सही रहे, वैसे 60% चांस है कि टिकट मिल जाएगा, तो वहाँ से टिकट लीजिए। और टिकट लेने के 1 घंटे के अंदर आपको आकर के इस जगह जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर आपको आकर रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के बाद ये जो पर्ची है, ये पर्ची आपको यहाँ से लगवाना है, ये वाली पर्ची यहाँ से लगेगी, और उसके बाद ये इस पर एक टाइमिंग लिख देंगे। यहाँ देखिए एक टाइमिंग लिखी हुई है, ये टाइमिंग पर आपको उपस्थित होना है। उसके बाद यहाँ शेयरिंग कार आएगी, उस कार में बैठ करके यहाँ से फिर हम लोग हेलीपैड पर जाएंगे, और फिर हेलीपैड पैड पर 5 मिनट के अंदर ये हमको उतार देगा सांझी छत पर, और सांझी छत से फिर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी माता वैष्णो देवी की है। तो वहाँ से आप खच्चर कर सकते हैं, वहाँ से आप पालकी कर सकते हैं, वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं, जैसे आपका जाने का सामर्थ्य हो वहाँ से आप माता वैष्णो देवी जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये रहा कि कैसे हम हेलीकॉप्टर से वैष्णो देवी की यात्रा करें। धन्यवाद।